पुलवामा हमले को हुए 4 साल, सीएम भूपेश बघेल ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। सूरजकुंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। पामगढ़ में बसपा विधायक के इंदु बंजारे के नेतृत्व में प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान। रायगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रायगढ़ में एक्शन मोड में पुलिस, चौक चौराहे पर तैनात रहेगी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। आज पुलवामा हमले की 4वीं बरसी है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपुरा में जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। आज देश भर में इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुलवामा हमले के शहीदों को सीएम भूपेश बघेल ने नमन किया और कहा कि पुलवामा हमले की हृदय विदारक खबर और दृश्य आज भी हम सबकी आंखों के सामने महसूस होते हैं। हमारे देश के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। हम उनका और उनके परिवारों का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। हम सब कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने महाअधिवेशन की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगी। साथ ही राजीव भवन में आमंत्रण समिति से जुड़े सदस्यों की बैठक लेंगी। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। सूरजकुंड में पिछले 20 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज रंगमंच मैदान से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 20 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार से चर्चा तक नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, पर 4 साल से ऊपर हो गया, आज भी हमारी मांगे अधूरी हैं। सरकार अभी भी हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस सरकार को उजाड़ देंगे। हम लोगों ने 15 वर्ष पुरानी भाजपा सरकार को भी छत्तीसगढ़ से हटा दिया था। हम लोगों की रणनीति है आगे की, कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आने वाले समय में जोर शोर से हड़ताल करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार को हम महिलाएँ कहीं ना कहीं पे विधायक में उठ के सरपंच, पंच सरपंच हर जगह के पद को भरेंगे और आने वाले समय में उनको हरा के भी दिखाएंगे और उनको हराने का पूरा कोशिश करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर 8 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की ओर से हड़ताल जारी है। उनके इस हड़ताल का समर्थन देने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताते हुए अपना समर्थन दिया है और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भूपेश बघेल, होश में आओ, होश में आकर बात करो के नारे भी लगाया।
साथ ही आने वाले विधानसभा बजट सत्र में बात उठाने की कही है। पिछले 8 दिनों से और प्रदेश में पिछले 20 दिनों से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो हैं वो अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल। हमने इसको आश्वस्त किया है इनको, एक तो हम इनकी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, दूसरी बात आने वाले 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा। 1,40,000 परिवार जुड़ा है हमारी आंगनबाड़ी की बहनों के माध्यम से। उस 1,40,000 परिवार की बात को सुनने को तैयार हूँ। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है और हम इनकी मांगों को सदन में पूरी ताकत से उठाएंगे, सब मिलजुल करके उठाएंगे। खबर रायगढ़ से है जहां जिला कांकेर में ऑटो में दर्दनाक हादसा होने के बाद अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं उप पुलिस अधीक्षक यातायात सुशांतो बनर्जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, साथ ही कई निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में संचालित ऑटो वाहनों के दाहिनी और पूरा पाइप से बैरिकेटिंग करके, इसके अलावा ड्राइवर सीट पर किसी भी बच्चे को नहीं बैठाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा और आवश्यकता के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक युक्ति अपनाएंगे। नारायणपुर के पानी गांव में मोबाइल टावर में चोरी करते चोर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुरा पुलिस आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में जिले में मोबाइल टावर में लगे बैटरी को चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां एक दिन पूर्व जो है थाना बैनूर को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया था कि ग्राम पानी गांव के जियो टावर के पास कुछ व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों के साथ देखे गए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी बैनूर कृष्णा जांगड़े के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा ग्राम पानी गांव में जो है जियो टावर के पास घेराबंदी कर जो है 3 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है जियो टावर की बैटरी चोरी करते जो है रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम अभिषेक चतुर्वेदी, योगेंद्र सिंह और सत्यम सिंह, सभी निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया, जिनसे पूछताछ करने पर जो है जिन्होंने बताया कि नारायणपुर क्षेत्र में जो है जियो कंपनी के इलेक्ट्रिक जो टेक्नीशियन है अजय सिंह, इनके साथ इनका परिचय है और उन्हीं के साथ मिली भगत कर जो है उन्हीं के निर्देश पर जो है टावर की जो है बैटरी को जो है चोरी करना स्वीकार किया गया है। मामले में जो इसके जो मुख्य अभियुक्त है अजय सिंह, उन्हें भी जो है पकड़कर जो है पूछताछ किया गया है, जिन्होंने जो है पूछताछ पर उक्त चोरी की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं अगर आप रात को बेफिजूल घूमने निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब देर रात हर प्रमुख चौक चौराहे पर रायगढ़ पुलिस का पहरा होगा। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देश पर जिले भर की पुलिस अब रात में स्पेशल चेकिंग कर क्राइम पर कंट्रोल करेगी। बता दें बीती रात से पुलिस ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। नाबालिग और दारू पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा रात्रि गश्त और एमसीपी की कार्रवाई जो है वरिष्ठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर और सीएसपी रायगढ़ के नेतृत्व पे सभी शहर के थानेदारों के द्वारा एमसीपी की कार्रवाई कराई जा रही है, जो सब अलग अलग पॉइंट पे अपने स्टाफ के साथ सभी थाना प्रभारी जो है चेकिंग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस जो है वो सत्यगुड़ी चौक पे चेकिंग कर रही है, सभी आने जाने वालों को पूछताछ कर रहे हैं। उक्त जो एमसीपी है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार की जो घटना होती है वो घटनाएं ना हो, उस पर कमी हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ में इसमें पुलिस में भी कसावट आएगी, शहर के जनता को भी देखने को मिलेगा कि पुलिस एक पुलिस का अलग से रूप है और इससे
शहर जो है व्यवस्थित रहेगा, लोगों में लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रानी चौहान के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत करने के बाद आज फिर से शिकायतकर्ता महिला रायगढ़ कलेक्टर से मिलने पहुंची और कार्रवाई की मांग की। बीते दिनों रायगढ़ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष रानी चौहान ने कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने तत्काल जांच के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए थे। वहीं इस शिकायत के जांच अधिकारी डीएसपी निकिता मिश्रा हैं। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और जल्द मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है, लेकिन शिकायतकर्ता महिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। मैं रानी चौहान के खिलाफ 15 दिन पहले कलेक्टर एसपी साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, आवेदन दी थी कि वो मेरे को देह व्यापार में ढकेलना चाहती है। उस वजह से वो मेरे को ब्लैकमेल कर मेरा फ़ोटो वायरल की थी, जिसकी वजह से मेरा परिवार छूट गया, मेरा पति मेरे को तलाक दे दिया और मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए। इसलिए मैं कलेक्टर सर को अपील की हूँ, आवेदन दी हूँ कि मेरी सुनाई जाए, मेरा इंसाफ हो और मैं रायगढ़ जनता से यही अपील करती हूं कि मेरी मदद करें, क्योंकि मैं अकेली हूं, मेरे कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। देशी कट्टे की नोक पर लूटपाट को अंजाम देने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार करने में तमनार और चक्रधर नगर पुलिस को संयुक्त रूप से सफलता हासिल हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त भी की जाती थी। इसके ऊपर चोरी लूटपाट के कई मामले ओडिशा के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई करते हुए आरोपी के छोटे अमृत प्रधान को उनके घर ओडिशा गिरसीमा से धर दबोचा और उसके पास एक देशी कट्टा बरामद किया है। अभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि तमनार थाना क्षेत्र में अपना जो पालीघाट और हमीरपुर एरिया है, सरहदी एरिया है उड़ीसा का, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो हथियारों का खरीद फरोख्त का काम करता है। उसके जरिए लोगों को डराता धमकाता है, हथियार दिखाकर लूटपाट करने की प्रयास करता है। तो उस पर उस व्यक्ति को पता किया गया तो उसका नाम आदित्य के नाम से ज्ञात हुआ। फिर उसको पकड़ा गया, उसके कब्जे से एक देसी कट्टा भी मिला। फिर उसके पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनका एक छोटा भाई है अमृत, उसके पास भी एक कट्टा है। दोनों मिलकर ही घटना को अंजाम देते हैं, परंतु वो उड़ीसा में है। फिर इनसे और पूछताछ किया गया, सघनता से पता चला कि इनके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं उड़ीसा में, जिसमें 3-4 मामले में इनकी गिरफ्तारियां हुई थी और कुछ मामले में फरार चल रहे थे। इसी दौरान इन्होंने अभी उड़ीसा में ही एक सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करके और उसे एक 12 बोर का बंदूक भी छीन लिया था। और अभी जो जब्ती हुई है 12 बोर का कारतूस जब्ती हुई है, परंतु 12 बोर का जो राइफल है उसको उड़ीसा पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। इनसे आरोपी उसमें नहीं मिले थे उनको, तो उन दोनों ही आरोपियों को थाना तमनार में अपराध के तहत गिरफ्तार कर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माल खरौदा पुलिस चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला सक्ती जिला के मालखरौदा का है, जहां एक युवती ने मामला दर्ज कराया था कि युवराज यशवंत महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया और जब शादी की बात आई तो शादी करने से युवक ने साफ मना कर दिया, जिसकी शिकायत पर तत्काल जांच कार्रवाई करते हुए युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में मालखरौदा थाना प्रभारी ललित चंद्रा का विशेष योगदान रहा। 10/2/2023 को पीड़िता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव का रहने वाला लड़का युवराज यशवंत महिलांगे ग्राम नंझर उसे पिछले कई सालों से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था, जो कि वर्तमान में शादी करने से इनकार करने पर पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना मालखरौदा में धारा 376/5/6 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ में बसपा विधायक इंदु बंजारे के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। पामगढ़ के अंबेडकर चौक में विधायक के नेतृत्व में बसपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इंदु बंजारे ने राज्य सरकार पर पामगढ़ क्षेत्र का उपेक्षा करने का आरोप लगाया और 7 सूत्री मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया। जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है उसका आरंभ हुआ है और जो 7 सूत्री मांगे का प्रमुख विषय ये है कि जो लंबे समय से जो पामगढ़ सिद्धुआपुरोध जो जिले से राजधानी को जोड़ने वाली जो सड़क है वो लंबे समय से जर्जर है, अधूरा पड़ा हुआ है। कई बार मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया है, संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी है, विधानसभा में हर सेशन में हर विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी को माननीय मंत्री महोदय जी को इस समस्या से अवगत भी कराई। लगातार 4 सालों से मैं प्रयास करी, उसके बावजूद भी आज पर्यंत तक न तो छत्तीसगढ़ सरकार से नहीं प्रशासनिक व्यक्ति से कोई पहल की गई है उस सड़क को बनवाने के लिए। मजबूरन में आज हम सबको सड़क पर उतर कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ रहा है और यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शासन प्रशासन से हमें ठोस विश्वासपूर्ण हम लोग को जब वो सहमति नहीं देंगे कि सड़क को बनवाया जाएगा अमुक दिनों में अमुक समय तक, तब तक हम इस जगह से उठेंगे नहीं। अंबिकापुर में पत्नी से विवाद होने के बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी पर टांगी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद घंटे में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई टांगी भी बरामद की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जांजगीर चांपा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 की रहने वाली इशिका शर्मा की उसके घर के कमरे में संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिली है। मिली जानकारी के अनुसार इशिका शर्मा जांजगीर के पत्रकार गोपाल शर्मा की बेटी है। सूचना मिलने पर मौके पर एसपी विजय अग्रवाल और पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, साथ ही डॉग स्क्वाड और विलासपुर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था जिसमें लाश के आसपास की जांच पड़ताल की गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि मृतका इशिका शर्मा यूट्यूब चैनल में एंकर का काम करती थी और इसके साथ उनके भाई बहन भी रहते थे। सकती जिले में बड़ा हादसा हो गया जहां राखड़ खाली करते समय करंट की चपेट में ड्राइवर आ गया जिसके बाद जमीन में गिरने से उसका सर फट गया और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को शव सौंप दिया गया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम गरुड़ की घटना है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।